हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अतुलिया ब्यूटी केयर। सो फ्रेंड, आज हम करेंगे साइड ब्लॉक्स की वैक्सिंग। तो किस तरह से आप घर पर आसानी से इजली खुद से साइड ब्लॉक की वैक्सिंग कर सकते हैं, और जो कान के पास जो हमारे हेयर आते हैं, आज हम उन्हें वैक्स की हेल्प से रिमूव करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें अपने हेयर को ऊपर कर लेना है, जितने लॉन्ग हेयर हैं उतने ऊपर कर लेना है, और जो छोटे छोटे हेयर हैं वो हमारे बचेंगे तो उन्हें हमें रिमूव करना है। मुझे बहुत कम हेयर हैं, किसी किसी को बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई बात नहीं, आप इससे वैक्स से अपने आप खुद से आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह से आपको सबसे पहले पाउडर लगा लेना है अपने छोटे वाले हेयर पे, फिर उसके बाद वैक्स को नीचे की तरफ ही हेयर की डायरेक्शन होती है, तो आप यहाँ पर नीचे आप पाउडर लगाने के बाद नीचे की तरफ से आप वैक्स लगाएंगे, और फिर उसके बाद पट्टी रख करके उसमें चिपका करके अच्छे से रब करें, फिर उसके बाद उसको ऊपर की ओर पुल कर दें। तो इस तरह से आप खुद घर पर भी अपने आप साइड ब्लॉक्स की वैक्सिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने किया है, उस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब नीचे से खींच कर ही आप पट्टी को पुल करेंगे। तो इस तरह से आप मेरा एक साइड का हो गया है, और अब हम करेंगे दूसरी साइड का। सो हमें इस तरफ भी सबसे पहले पाउडर लगा लेना है, और फिर उसके बाद फिर हमें वैक्स लगानी है। वैक्स को हम नीचे की ओर ही लगाएंगे, क्योंकि हेयर की डायरेक्शन नीचे की ओर ही होती है, और वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत पतला नहीं करना है, वैक्स को थोड़ा सा थिक ही रखना है बिल्कुल। और अगर आपके पास स्टिक वुडन वाली स्टिक है तो आप उससे लगा सकती हैं वैक्स को, अगर नहीं है तो आप इससे भी वैक्स कर सकती हैं। बस आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा थिक ही रहे, पतली नहीं होनी चाहिए बस। और आप जब भी आप उस ऊपर की ओर पुल करेंगी पट्टी को, तो आप अपने चीज़ को खींच करके ही आप पुल करेंगी, तो बिल्कुल पेन भी नहीं होगा और हेयर भी इजली निकल जाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड की वैक्सिंग हो गई है और हेयर अच्छे से रिमूव हो गए हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।